रेल एवं मेट्रो रेल से संबंधित किसी भी वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए रेलवे लाइव पीएलपी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में शेयर करना मत भूलिए। हेलो दोस्त, रेलवे ग्रुप डी परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन कैसे हुआ रेलवे में, जिसके कारण से स्कोर 100 से ज़्यादा हो गया। अनुमानित जवाब इसका मिल चुका है, क्योंकि पॉसिबल है 100 मार्क्स में। तो ऐसा कैसे कहेंगे, कुछ लोग का सबसे पहले जवाब आएगा कि आप रेलवे के एजेंट हो। आ भी चुका है कई सारे का लोगों का, लेकिन मेरा, मैं ना किसी कैंडिडेट के साथ सहानुभूति गलत रखता हूँ, ना रेलवे के साथ गलत रखता हूँ। मेरा एक ही फंक्शन है कि जो हकीकत है उसे हकीकत बोला जाए, यानी जो सही है उसे सही कहा जाए, जो गलत है वो गलत कहा जाए। अब यहाँ बात करने वाली है कि 109 आया किसके कारण, नॉर्मलाइजेशन के कारण। और नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला रेलवे ने ELP CBT 1 CBT 2, यानी जितने भी प्रोसेस है उसमें सब में एक ही फार्मूला अप्लाई किया है। तो अगर किसी कैंडिडेट का अगर 70 नंबर आता है तो उम्मीद रखता है कि मेरा नंबर 80 हो जाए, यानी 10 नंबर बढ़ने की उम्मीद रखता है। ऐसा पर्सनल बिहेवियर होता है, हम भी सोचते हैं। तो 95 वाला नहीं चाहेगा कि 10 नंबर बढ़ जाए, तो हो सकता है इनका भी बढ़ जाए। तो अगर 95 का 10 बढ़ गया तो नंबर कितनी हो जाएगी, 105, और जो फुल मार्क्स 100 से ज़्यादा हो जाएगा। ये कैसे हुआ, कहाँ मिस्टेक हुआ, या तो नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला गलत है या लोगों की सोचने के तरीका गलत है, इसी पे हम बात करेंगे। ज़्यादा टॉपिक को मैं उलझाऊंगा नहीं, और बाकी लोगों के चैनलों जैसा मेरा काम आपका भड़काना नहीं, आपको समझाना है। टेक्निकली टर्म को जानिए, टेक्निकली होता क्या है, हो सकता है उसमें गलतियाँ हुई है, उसकी सुधार की गुंजाइश है। तो चलिए ग्रुप डी का एक कैसे हुआ है उसके बारे में करेंगे। तो हमारे पास है नॉर्मलाइजेशन की फार्मूला। कुछ लोग बोलेंगे कि ये कहाँ से मिलेगा, तो ये आप जाके RRB JEE की नोटिफिकेशन में ले सकते हैं, जिसमें 3/2019 में मिल जाएगा। आप जिसका NTPC का नोटिफिकेशन देख रहे हैं उसमें मिल जाएगा, पैरामेडिकल का नोटिफिकेशन है उसमें मिल जाएगा, यानी 1/2019 में मिल जाएगा, 2/2019 में मिल जाएगा। ये सभी जगह ये नॉर्मलाइजेशन फार्मूला दिया हुआ है कि इस फार्मूला से हम आपको नॉर्मलाइजेशन यानी मानकीकरण करेंगे। क्या मानकीकरण, हिंदी में पढ़ेंगे तो मानकीकरण मिलेगा। तो चलिए ये मानकीकरण क्या है, कैसे समझते हैं। अब यहाँ देखिए, सबसे पहले चीज़ें आप समझिएगा इस बात में, किसी भी शिफ्ट में नंबर 1 से लेकर 100 तक वेरिएशन हो सकता है, या तो आपके कैंडिडेट का या कैटेगरी का या कम्युनिटी का, या कह सकते हैं टोटल कैंडिडेट का या एवरेज का। नंबर की कोई बाउंडेशन यहाँ नहीं है कि कितना कम हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, या 100 भी हो सकता है। अब इसमें हम चाहे 1 कैंडिडेट का हो या 1000 कैंडिडेट का हो, कोई वेरिएशन नहीं है, ये मान के आप एग्जेप्शन चलिएगा। क्योंकि किसी कैंडिडेट का 0 भी नंबर है, किसी का 1 भी है, किसी का 10 भी है, किसी का 80 भी है, किसी का 90 भी है, 100 भी है, 75 भी है, 60 भी है, ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन बहुत है। तो ध्यान दीजिएगा, ये चीज़ को सबको मिला के ये कॉम्बिनेशन बनाया जाता है फार्मूला। तो इस फार्मूला में आप देखेंगे सबसे पहले, अब इस फार्मूला में आप ध्यान से पढ़िएगा, तो यहाँ पे 7 वेरिएशन है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, लेकिन 7 में से 2 वेरिएशन देखिए, 1 वेरिएशन और 1 वेरिएशन, और AGBT वेरिएशन और ए वेरिएशन, यानी 4 वेरिएशन कॉमन है। तो कहें हमें डाटा रिक्वायरमेंट केवल कितनी है, 5 की, यानी 5 डाटा रेलवे को चाहिए होता है, उसके बाद ही नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो सबसे पहले वो 5 डाटा को ढूंढ लेते हैं, क्या क्या 5 डाटा है। पहला एक डाटा है MBAR GT, जिसको बोलते हैं टोटल एग्जाम का 0.1% हाई स्कोर। जैसे आपने 150 शिफ्टों में एग्जाम हुआ है, सबको पता है कि 150 शिफ्टों में एग्जाम हुआ है, 150 शिफ्टों का सबसे अच्छे वाले कैंडिडेट, और कहें तो दूध में से निकाला हुआ क्रीम, समझते हैं ना, सबसे ज़्यादा स्कोर जो 98, 95, 94% किए हैं, उसका एवरेज सबसे पहले रहेगा, उसके में माइनस हो जाएगा टोटल एवरेज स्कोर ऑफ CBT 2। 150 शिफ्टों में कितने कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए हैं, 1,01,86,00,000 कैंडिडेट का टोटल एवरेज स्कोर, 0+1, 2, 20, 25 या कुछ भी होगा उसका स्कोर,
समझिएगा बात को। उसके बाद डिवाइडेड में आपके शिफ्ट में यानी पार्टिकुलर शिफ्ट में अलग अलग 150 शिफ्टों का अलग अलग हाई स्कोर 0.1% कैंडिडेट का, यानी सबसे अच्छे स्कोर हर शिफ्ट का यहाँ नीचे में आएगा, उसके नीचे में आएगा टोटल एवरेज स्कोर इन पार्टिकुलर शिफ्ट, यानी यहाँ चारों टर्म को आप देख लें तो सबसे पहले कि टोटल पूरे एग्जाम में कितने 0.1% कैंडिडेट स्कोर किए हैं, टोटल स्कोर का एवरेज क्या हुआ है पूरे एग्ज़ाम का, आपके शिफ्ट में 0.1% कैंडिडेट कितने स्कोर किए हैं और आपके शिफ्ट का एवरेज स्कोर क्या है। समझ गए बात को, चारों टॉपिक को। पांचवा टॉपिक है कि आपका इंडिविजुअल स्कोर क्या है। आपका इंडिविजुअल स्कोर 0 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, इसके बीच में कहीं भी हो सकता है, क्लियर। उसके बाद फाइनली जो आपका है कि टोटल एवरेज स्कोर इन पार्टिकुलर शिफ्ट, आपके शिफ्ट का एवरेज स्कोर, इसी टॉपिक को यहाँ लिया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, MJQ देख लीजिएगा ध्यान से, MIK है, IQ है, ठीक है। उसके बाद फाइनली टोटल एवरेज स्कोर इन CBT एग्जामिनेशन, जो MGQ वाला ये वाला स्कोर है, इसको टोटल के टर्म में यहाँ ला दिया है। फॉर्मूला यही है और इसी पे आपको कैलकुलेशन करना है। तब दो लोगों को जवाब देना यहाँ मुझे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वीडियो का मकसद यही था कि 109 नंबर कैसे आया, पहला नंबर, पहला जवाब यही देना था मेरा मकसद। दूसरा जवाब देना था कि हमारे शिफ्ट में ही मेरा 95 नंबर है और मेरे दोस्त का भी 95 नंबर है, मेरे दोस्त का नंबर 112 हो गया और मेरा नंबर 95 ही रह गया। समझ रहे हैं बात को, यानी एक का नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ गए, 12 और 5 17, 17.5 नंबर बढ़ गए, मेरा नंबर 0 बढ़ा। ऐसा किसी भी नंबर पे हो सकता है, 50 60 70 75 72 पे। समझ गए, यही दोनों प्रॉब्लम है लोगों की और इसी की क्वायरी आ रही है। तो जो सीरियस कैंडिडेट हैं, पढ़ने वाले कैंडिडेट हैं, ज्ञानी कैंडिडेट हैं, समझते हैं टेक्निक को, उस वीडियो को देखते रहिए, नहीं तो आपके लिए इस वीडियो में कुछ नहीं है, बस यही दोनों चीज़ हम बताने वाले हैं, हो सकता है टाइम ज़्यादा लगेगा। तो पहला, 109 नंबर कैसे आया, सभी जगह बोला जा गया है कि ये गलती हो गई है, क्या हो गई है। अगर गलती कहीं है तो नॉर्मलाइजेशन फार्मूला में है, रेलवे ने गलती नहीं किया है जानबूझ के कि 109 नंबर कैसे दे दिया। जोड़िएगा, क्योंकि मैं 3 दिन से पूरी तरह से इसी बात पे लगा हूँ कि गलती मिस्टेक कहाँ हो रही है। और बता दूँ, मेरा ना काम है कैंडिडेट को गलत गाइड करना, ना रेलवे की बुराई करना, दोनों मेरा काम नहीं है। रेलवे अगर कैंडिडेट को सही गाइड करना मेरा काम है, जो रूल अभी डिफाइंड है, हो सकता है किसी कैंडिडेट के फेवर में हो, किसी कैंडिडेट के अनफेवर में हो, क्योंकि रूल जो बनती है तो पास वाले कैंडिडेट कहते हैं अच्छा है, फेल वाले कैंडिडेट कहते हैं ख़राब है। ये सबके साथ होता है, हमारे साथ भी हुआ है और आपके साथ भी होता है, ये मानव का ह्यूमन नेचर है। तो ह्यूमन नेचर नहीं, हम रूल की बात करेंगे कि रूल सही क्या है। तो चलिए आपको दिखाते हैं सबसे पहले 109 नंबर कैसे आए। तो सबसे पहले 109 नंबर के लिए इसको थोड़ा सा आप छोटा कर देते हैं आपके लिए। तो सबसे पहले देखिए, मान लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि पूरा जो सबसे अच्छा कैंडिडेट क्रीम वाले कैंडिडेट है, उनका स्कोर पूरे शिफ्ट में 90 आया है, एवरेज कितने 0.1% कैंडिडेट और 150 शिफ्टों में, ठीक है। पूरी एग्जाम का एवरेज यानी 150 शिफ्टों का एवरेज, 0 वाले को भी, 10 वाले के भी, 100 वाले के भी, सब जोड़ के टोटल नंबर अगर 60 आए हैं, ध्यान से देखते जाइएगा। उसके बाद अगर कह दें कि आपके शिफ्ट में जो अगर एग्ज़ाम हुआ है, इसमें एवरेज आपके शिफ्ट के अच्छे कैंडिडेट का स्कोर 80 आया है, 0.1% कैंडिडेट का, फार्मूला देखते जाइएगा और मिलाते जाइएगा। उसके बाद अगर कह दें कि आपके शिफ्ट में एग्जामिनेशन में टोटल कैंडिडेटों का एवरेज 60 ही आया है, जो पूरा कंडीशन था, यानी टोटल कैंडिडेट का भी एवरेज 60, आपका भी शिफ्ट का एवरेज 60, क्लियर हो गया। अब बात करते हैं कि आपके स्कोर 95 आए हैं, आप ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, आपका स्कोर 95 है, कोई गलती नहीं है यहाँ तक, अगर गलती है तो ज़रूर बोलिएगा इसमें, ठीक है। उसके बाद कहता है रूल के अनुसार कि आपके शिफ्ट में जितना स्कोर आया है ये MGQ होगा, तो आपके शिफ्ट का एवरेज कितना है, 60 है, क्लियर। और आपकी पूरी एग्ज़ाम का यानी ग्रुप डी की पूरी एग्ज़ाम का एवरेज कितनी है, 60 है,
बस यही फॉर्मूला है, इसको आप कैलकुलेट नंबर कर लीजिए, बिल्कुल 112.5 आएगा और देखिए कैसे आता है। तो हम कह देते हैं कि 90 फॉर्मूला हम रख रहे हैं आपके पास, माइनस 60, यही माइनस है ना जी, माइनस और नीचे में 80 माइनस 60, इसमें कोई दिक्कत है किसी को? नहीं है, इतना तक तो सही है। उसके बाद कह दें कि ये 95 माइनस 60 अगर करते हैं तो कितना नंबर आएगा, ये 35 आएगा, फिर भी हम यहाँ लिखते हैं, और प्लस में कह रहा है कि आपके टोटल एग्ज़ाम का एवरेज 60 है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है क्या? नहीं दिक्कत है, तो अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, 90 में से 60 घटाइएगा तो आएगा 30, और 80 में से 60 घटाइएगा आएगा 20, और यहाँ 95 में से 60 घटाइएगा आएगा 35, और यहाँ जोड़ में 60 आपका है ऑलरेडी। समझिएगा बात को, समझ लिए? अब इसको 30 को 20 से डिवाइड करिएगा, और यहाँ पे एक गुना का चिन्ह आएगा क्योंकि यहाँ ब्रैकेट क्लोज है, तो यहाँ पे 30 को डिवाइड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 1.5, ध्यान से, गुना 35 और जोड़ में 60। 35 को 1.5 से आप गुना करेंगे तो कितना आएगा, 52.5, और जोड़ देंगे 60 को, कितने नंबर आ रहा है कोई बताएगा? 112.5 आ रहा है या नहीं आ रहा है? नॉर्मलाइजेशन के फार्मूला में कोई हमने मिस्टेक किया? ये सारा जादू आंकड़ों का है दोस्त, कुछ भी नंबर पॉसिबल है। अगर नॉर्मलाइजेशन की फार्मूला ये है तो 112, 114, 120, 130 कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन बशर्ते ये नॉर्मलाइजेशन फार्मूला दिया हुआ है नोटिफिकेशन में, अगर यही माना जाएगा तो रेलवे अपनी तरफ से सही है, अगर नॉर्मलाइजेशन की फार्मूला गलत है तो रेलवे गलत है। समझ रहे हैं बात को? ठीक है, अब दूसरे कैंडिडेट की बात कर लेते हैं। हम केवल एक डाटा चेंज करेंगे, बस एक डाटा चेंज करेंगे, जो आपने बोला कि यहाँ पे आपके शिफ्ट में टोटल 0.1% कैंडिडेट थे, उन्होंने पहले कितने लाए थे, 90, लेकिन अब 80 लाए थे, अब इन्होंने 90 ला लिया। कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, इसी पे कलर कर रहा हूँ, आप देखते जाइएगा, उन्होंने कितना ला लिया, 90 ला लिया, तो केवल कौन सी डाटा चेंज होगी, ये डाटा चेंज होगी, इसको हम 90 कर दें, और 90 माइनस 60, ये टर्म कितना आ जाएगा, 1/1। समझिएगा बात को, आपके शिफ्ट में आपने कुछ नहीं चेंज किया, आपका जो स्कोर था वही रहा, आपके शिफ्ट में भी वही रहा, आपके जो कैंडिडेट पूरा ओवरऑल था वही रहा, केवल आपके शिफ्ट में किसी कैंडिडेट ने ज़्यादा स्कोर कर दिया, 80 को बढ़ा के 90 ला दिया 0.1% कैंडिडेट ने। तो अब यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे आप देखिए कि ये 1.1 हो गया ये टर्म वाला, और यहाँ आपका 35 का 35 रहा, यहाँ 60 के 60 रहा, तो 35 को 1 से गुना करेंगे तो क्या 35 ही रहेगा? तो हम कह दें कि 35 और जोड़ यहाँ पे 60 था, 60 को जोड़ दीजिए, आपका नंबर पहले भी 95 था, अभी भी 95 है, कोई दिक्कत है क्या इस फार्मूले में? तो यही कह रहा हूँ कि 112.5 नंबर भी हो सकते हैं, और आपका नंबर कम भी बढ़ सकता है, आपका नंबर घट भी सकता है, या आपका नंबर दूसरे से रिस्पेक्ट में थोड़े कम हो सकता है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये शिफ्ट एक ही था तो एक का 80 एक का 90 कैसे हो गया? तो यही डिफरेंस है कि शिफ्ट, अगर आपके शिफ्ट में किसी कैंडिडेट ने ज़्यादा किया, आपके शिफ्ट में आपने ज़्यादा किया, आपके शिफ्ट में वो एवरेज ज़्यादा हुआ, कोई भी एक डाटा चेंज होगा तो पूरी डाटा रिफ्लेक्ट करेगी आपकी स्कोर पे। तो ध्यान दीजिएगा, आप ये नहीं कह सकते कि मेरा 60 था तो मेरा 62 बढ़ा, लेकिन इरेगुलर नहीं होना चाहिए। कई लोग कह रहे हैं कि रोल नंबर डाल रहा हूँ तो ये आ रहा है, तो रेलवे ने जो डाटा ऑफिशियल दिया है बस यही दिया है कि 112, 114, 15 हुआ है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन फार्मूला पे अब सवाल उठ सकता है कि नॉर्मलाइजेशन फार्मूला सही है या गलत है। तो इसके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि ये RRB ने डिसाइड किया है कि इसी फार्मूला पे हम सभी का कैलकुलेट करेंगे, चाहे 10 नंबर लाने वाले हों, चाहे 95 नंबर लाने वाले हों,
तो सबके लिए फार्मूला यही है, अगर सवाल उठाना है तो इस फार्मूला पे आप उठा सकते हैं कि ये फार्मूला जो नॉर्मलाइजेशन का दिया हुआ है ये गलत है, इसमें कोई त्रुटि है जिसके कारण से लोगों का नंबर ज़्यादा आ रहा है। लेकिन इस पे सवाल अब उठाना लाजमी नहीं होता कि 112.5 कैसे हो गए। जिस तरह 10 वाले कैंडिडेट कहते हैं कि मेरे 30 नंबर हो गया, तो 95 वाले को क्यों नहीं 30 नंबर बढ़ के 115-120 हो सकता है? यही रेलवे जवाब देगा जब भी आप बात कीजिएगा तो, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम है नॉर्मलाइजेशन का वो लगभग लगभग यहाँ इंड दिख रहा है। हाँ, अगर नॉर्मलाइजेशन की फार्मूला गलत है उस पे आप ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं। तो चलिए, आपको उम्मीद आपकी क्वायरी पूरी हो गई होगी कि नॉर्मलाइजेशन कैसे हुआ रेलवे में, 100 से स्कोर ज़्यादा कैसे हुआ और 109/100 कैसे स्कोर हुआ, ये पॉसिबल है अगर अभी वर्तमान नॉर्मलाइजेशन फार्मूला लगाया जाए तब। थैंक यू, धन्यवाद।